नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के पूर्णिया से आ रही है, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार के दौरान बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव उनका आखिरी चुनाव होगा। पूर्णिया में तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, आज चुनाव का आखिरी दिन है, परसों तीसरे चरण का मतदान होना है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला, अब आप सब बताइए वोट देंगे कि नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग पहले महिलाओं को कुछ समझते ही नहीं थे, मगर हमारा कहना है कि पुरुष और महिलाएं मिलकर काम करेंगी तभी समाज आगे बढ़ेगा। सीएम नीतीश ने कहा कि उनकी सरकार में नगर निकाय और पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया, महिलाओं के लिए विशेष तौर पर कार्य किए गए हैं। कल मुख्यमंत्री, अब यही रोजगार के अवसर पैदा होंगे, लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और रोजगार की मजबूरी में किसी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अब बिहार में ही उत्पाद होंगे और जिन्हें बाजार में बेचा जा सकेगा। केंद्र का सहयोग और राज्य का प्रयास मिलकर बिहार को नई ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। रैली में नीतीश कुमार ने दावा किया कि उनकी सरकार में हर तबके को मुख्य धारा में लाने का काम किया गया है। कटिहार और पूर्णिया में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि युवाओं को रोजगार के लिए बाहर ना जाना पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार ने योजना बनाने में सहयोग किया है। उन्होंने कहा कि हमने नई औद्योगिक नीति बनाई है, जिससे प्रदेश में उद्योग के अनुकूल माहौल बनेगा। इसके तहत नई प्रौद्योगिकी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर युवाओं को प्रशिक्षित करने पर भी जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि किस हालात में बिहार के लोगों ने 2005 में हमें काम करने का मौका दिया, यह किसी से छिपा नहीं है। तब स्कूल में पढ़ाई, अस्पताल में दवाई का प्रबंध नहीं था, शाम के बाद लोग घर से बाहर निकलने में डरते थे। नीतीश कुमार ने कहा कि तब राज्य का बजट 24,000 करोड़ रुपए से भी कम था, जो आज बढ़कर 2.11 लाख करोड़ रुपए का हो गया है और प्रदेश की विकास दर 12.8% है। राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा युवाओं को 10 लाख रोजगार देने के वादे पर भी पलटवार करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ लोगों को समझ में कुछ आता नहीं है और ऐसे लोग काम भी नहीं करते, केवल जुबान चलाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।